नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गौरवाणी कैपिटल में। दोस्तों आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है। आज की वीडियो में हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की बात करेंगे। छोटे रिस्क के साथ बड़ा पोर्टफोलियो कैसे बनाना है वो बात इस वीडियो के अंदर करेंगे, ठीक है। अगर मार्केट गिरता भी है तो आपके पोर्टफोलियो पे ज्यादा आंच ना आए, इस तरह का पोर्टफोलियो हमें बनाना है, इस तरह से हमें अपने रिस्क को मैनेज करना है, वो बात हम इस वीडियो के अंदर करेंगे, ठीक है। तो कोशिश करना कि वीडियो स्किप ना करो, पूरी वीडियो देखना। वीडियो को बहुत छोटा रखेंगे। हमारा जो टॉपिक है आज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के साथ साथ हमें रिस्क को किस तरह अपने मैनेज करना है वो बात इस वीडियो के अंदर करेंगे। कोशिश करना वीडियो स्किप ना करो, छोटी सी वीडियो होगी, क्योंकि अगर आपने वीडियो स्किप करी तो आपकी ट्रेडिंग के अंदर से भी बहुत सी चीजें स्किप हो जाएंगी, हो सकता है ऐसा, ठीक है। तो ये साइकोलॉजिकल बेस्ड बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अपना आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं, ठीक है। ओके, हम कह रहे हैं कि हम पोर्टफोलियो को मैनेज करेंगे, ठीक है। ओके, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की बात इस वीडियो के अंदर कर रहे हैं। अगर पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हैं, आपके पास 100% आपका कैपिटल है, ओके, आप कोशिश करो कि एक सिंगल काउंटर के अंदर केवल और केवल 5% ही अलोकेट करो एक सिंगल काउंटर के अंदर, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं, अब हमने 100% को तीन भागों में डिवाइड कर दिया, ठीक है। राइटिंग थोड़ी गंदी हो सकती है, आप थोड़ा मैनेज कर लो, बट जो मैं बता रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, साइकोलॉजिकल बेस्ड, और आपके पोर्टफोलियो को ज्यादा क्षतिग्रस्त होने से ये बचा सकता है, ठीक है। ओके, अब हम बात कर रहे हैं कि आपका 100% कैपिटल है, 100% में से आप एक सिंगल स्टॉक के अंदर, एक सिंगल काउंटर के अंदर केवल 5% ही एलोकेट करेंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से आपके पास ऑलमोस्ट 20 स्टॉक आपके पास आ जाएंगे। अगर एक काउंटर के अंदर आप 100% में से 5% देंगे तो आपके पास ओवरऑल 20 स्टॉक के आसपास निकलेंगे, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं कि आपको इस 100% में से 60% तो यहां देना है, 30% यहां देना है और 10% यहां देना है। अब ये चीज क्या क्या है वो बता देते हैं, ठीक है। ये तो हुआ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का, ये हुआ स्विंग के लिए। राइटिंग थोड़ी सी खराब हो सकती है, आप मैनेज करो, बट राइटिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मैं बता रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है। ओके, ये लॉन्ग टर्म के लिए है, ये स्विंग के लिए है, और ये है इंट्राडे के लिए, ठीक है। ओके, अब हम ये कह रहे हैं कि आप केवल 5% ही अलोकेट करेंगे। अब 5% हमने यहां दिया, 100% का 5% अगर दिया, और तो इस हिसाब से यहां जो हमारी कंपनीज आती हैं, ये निकल के आती हैं ओवरऑल मोटा मोटा 12 कंपनी यहां पे निकल के आएंगी, ठीक है, समझ पा रहे हो आप। ओके, दैट्स गुड। तो और अगर 30% की यहां बात करते हैं तो यहां कंपनियां निकल के आएंगी, आई थिंक 6 कंपनियां यहां पे निकल के आएंगी। ओके, ठीक है। अब हम यहां की बात करते हैं कि इस वाले काउंटर के अंदर, इस वाले पैरामीटर के अंदर हम केवल 10% ही अपना ओवरऑल कैपिटल का अलोकेट करेंगे, तो यहां पे केवल 2 कंपनियां निकल के आती हैं, ठीक है। ओके, अब हम जैसे कह रहे हैं कि यहां हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये 12 कंपनी हमारी ऐसी होनी चाहिए जो लॉन्ग टर्म के लिए हमारी होंगी, ये 6 कंपनियां हमारी ऐसी होनी चाहिए जिनके अंदर हम स्विंग करेंगे, केवल प्राइस एक्शन बेस्ड काम होगा इसके अंदर, सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखने के बेसिस पे काम होगा, सपोर्ट पे खरीदेंगे, टारगेट हमारा आएगा, प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे इन, और ये जो दो हमारा 10% जो बचा, इस 10% से हम करेंगे इंट्राडे, ठीक है। ओके, अब जो 12 कंपनियां हमने ली हैं, इसके अंदर किस किस तरह की कंपनियां होंगी वो बात करते हैं। इन 12 कंपनियों के अंदर हम एक ऐसी कंपनी फाइंड आउट करेंगे जिनका फंडामेंटल बहुत अच्छा है, फंडामेंटली बेस्ड बहुत अच्छी कंपनी है, और जो अभी करंट में और फ्यूचर में जिनका मोनोपोली बिजनेस होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। जिस तरह मैं बहुत अच्छी कंपनी की बात बताऊं तो IRCTC एक मोनोपोली बिजनेस है, एशियन पेंट एक तरह का मोनोपोली ही है, क्योंकि एशियन पेंट ने जितना मार्केट को कैप्चर कर रखा है बाकी और कोई कंपनी ने नहीं कर रखा है, ठीक है। इसी तरह HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, ये एक मोनोपोली है एक तरह की। तो कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिनके फंडामेंटल अच्छे हैं, जिनके जो खुद में एक मोनोपोली बिजनेस है और लॉन्ग टर्म में उनमें अच्छी ग्रोथ दिख रही है, तो 12 कंपनी हम इसके अंदर सेलेक्ट करेंगे। सॉरी, अब हमारे पास बची 6 कंपनियां। अब 6 कंपनी के अंदर हम
ऐसे स्टॉक फाइंड आउट करेंगे जो टेक्निकल बेसिस पे अच्छे दिख रहे हैं, जिनके अंदर हम स्विंग करेंगे। आप स्विंग के प्राइस एक्शन के बेस पे उन कंपनी को पकड़ो, अपना टारगेट बुक करो, अपना प्रॉफिट बुक करो, निकलो। यहां से जो प्रॉफिट बनेगा अल्टीमेटली आप ये वाला प्रॉफिट सीधे सीधे फंडामेंटली अच्छी कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करोगे। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं इन वाले इस सेक्टर की। ये आप इंट्राडे के लिए रखोगे, मान के चलो आपके पास 100 रुपए हैं तो ये 10 रुपए आप इंट्राडे के लिए बचा के रखोगे। इस इंट्राडे में से आप इंट्राडे करोगे, आप देखो आप प्रॉफिटेबल तभी होगे जब आप सारी चीजें देखोगे। आपको फंडामेंटल भी आने चाहिए, टेक्निकल भी आने चाहिए और आपको इंट्राडे पे भी काम करना आना चाहिए कि इंट्राडे पे किस तरह काम किया जाता है। इंट्राडे से ही आपकी वेल्थ जो आपका कैपिटल है वो बढ़ता है, ठीक है, रैपिडली जो तेजी से बढ़ता है वो इंट्राडे के बेसिस पे बढ़ता है। बट अगर आपका रिस्क मैनेज नहीं होगा इंट्राडे के अंदर तो आपका उसी स्पीड में आपका कैपिटल खत्म भी हो सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम इस वीडियो के अंदर बात कर रहे हैं कि पोर्टफोलियो को कैसे मैनेज करना है और उस पोर्टफोलियो के साथ साथ हमें अपने रिस्क को कैसे कम करना है लॉन्ग टर्म के बेसिस पे, वो बात हम इस वीडियो के अंदर कर रहे हैं। तो आपको इन 100 रुपए में से केवल 10 रुपए आपको इंट्राडे के लिए रखने हैं और इस 10 रुपए में से मान के चलो आपने 10 रुपए की कुछ स्टॉक खरीदा 10 रुपए का और इस 10 रुपए में से आप अपने ओवरऑल कैपिटल का केवल 1% ही आज इंट्राडे के रिस्क पे लेंगे। ठीक है, समझ पाए आप? यानी कि अगर आपने 10 रुपए इन्वेस्ट करे तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा केवल और केवल 1 रुपए होगा। ठीक है, ओवरऑल जो आपका टोटल कैपिटल है उसका केवल 1% ही आप इंट्राडे के लिए लॉस लेने के लिए तैयार होंगे। ठीक है, ओके। तो ये सारी बात हो गई मोटी मोटी जो हमने आपको बता दी है। मेन इंपॉर्टेंट चीज यही थी, मैं आपको फिर से इसका एक चार्ट बना के अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट हम कर रहे हैं। अगर आपके पास 100% है तो एक सिंगल काउंटर के अंदर आप केवल 5% ही एलोकेट करेंगे। इस तरह आपके पास 20 स्टॉक हो जाएंगे जिनके अंदर आप काम करेंगे। अब आप इसको 3 भागों में डिवाइड करेंगे। पहला भाग होगा आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का, सेकेंड पार्ट होगा आपका स्विंग के लिए, ठीक है, और थर्ड पार्ट होगा आपका इंट्राडे के लिए। ओके, अब लॉन्ग टर्म में आपको अपना ओवरऑल कैपिटल का, इस वाले कैपिटल का 60% एलोकेट करना है। अब इस 60% के अकॉर्डिंग हमारे पास निकल के कंपनी आती है 12। अब इसके अंदर आपको 30% इन्वेस्ट करना है अपने ओवरऑल कैपिटल का, ठीक है, और इस 30% के अकॉर्डिंग हमारे पास कंपनियां निकल के आती हैं 6 और इसके अंदर आपको एलोकेट करना है अपने ओवरऑल कैपिटल का 10% और इसके अकॉर्डिंग आपके पास निकल के आते हैं 2 काउंटर। ठीक है, ओके। ये 12 के 12 काउंटर ऐसे होने चाहिए जो मोनोपोली बिजनेस रखते हो या जिनकी फ्यूचर में ग्रोथ अच्छी हो। ठीक है, ओके। जैसे हमने बताया IRCTC हुआ, एशियन पेंट हुआ, टाटा एलेक्सी हुआ और हैप्पीएस्ट माइंड हुआ, जिनके बिजनेस जिनका ग्रोथ बहुत अच्छा दिख रहा है आने वाले 10-20 सालों के लिए, जो फ्यूचर ग्रोथ हो सकती है। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर जितने भी कंपनीज हैं वो बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाने वाली है आने वाले टाइम के अंदर। तो इस सेक्टर के अंदर, इस हमारे इस पार्ट के अंदर वो सारी कंपनी होंगी जिनका फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं, जिनका मोनोपोली बिजनेस हो सकता है, जो कंपनी ऐसी है जो फ्यूचर में खुद का मार्केट कैप 2-3 गुना करने की क्षमता रखती है। ठीक है, तो 12 कंपनी आप ऐसे सेलेक्ट करके रखो और एक कंपनी में केवल और केवल अपने ओवरऑल कैपिटल का 5% ही एलोकेट करना, ज्यादा बिल्कुल भी मत करना। ठीक है, ये कंपनी आप 6 कंपनी ऐसी रखोगे अपने पोर्टफोलियो के अंदर जिनमें आप स्विंग करोगे, प्राइस एक्शन बेस्ड काम करोगे, सपोर्ट आएगा, अच्छी सपोर्ट दिखेगी वहां बाई करोगे, प्रॉपर एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस दिखेगा वहां सेल करके निकल जाओगे। यहां से जितना प्रॉफिट होगा ये सारा का सारा प्रॉफिट आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाले पोर्टफोलियो के अंदर डालते रहोगे। ऑलराइट, ओके। यहां से आप 6 स्टॉक रखेंगे। अब यहां की बात करेंगे, अब 10% हम ले रहे हैं इसके अंदर, इसके इसमें इस हिसाब से 2 काउंटर आते हैं। अगर आप 2 काउंटर में काम नहीं करना चाहते तो आप पूरा का पूरा 10% एक सिंगल काउंटर के अंदर, इंट्राडे की बात कर रहे हैं तो इंट्राडे में एक सिंगल काउंटर के अंदर काम कर सकते हैं। बट ध्यान रखो, अगर इंट्राडे में आप काम कर रहे हो तो आपका रिस्क मैनेज होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं इंट्राडे कर रहा हूं तो मेरी इस पोजिशन में केवल 1 रुपए ही लॉस लेने की क्षमता है, 1 रुपए से ज्यादा ना तो मार्केट मुझसे ले सकता है और ना मैं मार्केट को दे सकता हूं, 1 रुपए से ज्यादा मैं नहीं दूंगा। ठीक है, और ये 1 रुपए कैसे आया है, अपने ओवरऑल जो हमारा कैपिटल है उसका केवल 1% ही रिस्क हम इंट्राडे के लिए लेंगे। इससे ज्यादा 1% से 1 पैसा भी ज्यादा हम इंट्राडे पर रिस्क नहीं ले सकते।
क्योंकि अगर आपने रिस्क को अपना बढ़ाया, रिस्क 2% किया, 5% किया, तब आपको इसको गेन करने में इससे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, ओके, ये साइकोलॉजी है। धीरे धीरे काम करते हुए आपको समझ आता है कि किस तरह पोर्टफोलियो मैनेज करना है, किस तरह रिस्क को मैनेज करना है। और ये जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मैंने आपको बताया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गिरते हुए बाजार में आपको बचाएगा। ठीक है, ये वाला जितना पार्ट है ये गिरते हुए बाजार में आपको बचाएगा, ये वाला पार्ट गिरते हुए बाजार में, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट गिरते हुए बाजार में आपको कमाई के मौके देगा। समझ रहे हो? तो आप इन चीजों को देखो, समझो, सीखो, अपनी ट्रेडिंग में अप्लाई करने की कोशिश करो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत टाइम के बाद ये चीजें समझ आती हैं कि पोर्टफोलियो को किस तरह मैनेज करना है और अपनी ट्रेडिंग में रिस्क को कैसे कम करना है। अगर आपने रिस्क को कम करना सीख लिया ना, देखो, अगर आपने रिस्क को कम करना सीख लिया ना और स्टॉप लॉस देना सीख लिया मार्केट के अंदर, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे, और एक दिन ऐसा भी आएगा कि आप बहुत और बहुत अच्छे ट्रेडर बनोगे। अगर आपने रिस्क को मैनेज करना सीख लिया, केवल और केवल साइकोलॉजी का गेम है। देखो, बहुत बार क्या होता है, टेक्निकल बेसिस पे कुछ लोग इंट्राडे में काम करते हैं, वो एक सपोर्ट बना के रखते हैं कि चलो ये 100 रुपए की मेरी सपोर्ट है, सपोर्ट पे आएगा तो मैं बेच दूंगा। अब सपोर्ट टूट दिया है, सपोर्ट आ गई 95, वो अभी भी बैठे रहते हैं कि यार ये ऊपर जाएगा तब बेचूंगा। अब वो 98 से ही रिवर्स करके यहां तक गया, 98 से रिवर्स करके अब वो आ गया 93। अब वो सोचते रहते कि यार ये अभी ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर नहीं जाता, 100 रुपए से 93 आ गया, भाई कब बेचोगे? तो ये साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग द मार्केट, इंटरडे में बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करती है। आप अपनी साइकोलॉजी अच्छी करो, अपने रिस्क को मैनेज करो, रिस्क जितना कम होगा आपका लॉन्ग टर्म में उतना ही बड़ा आपको गेन मिलेगा। मैं अपनी हर एक वीडियो में आपको बताने की कोशिश करता हूं कि आप स्टॉप लॉस लेना सीखो, जब तक आप स्टॉप लॉस नहीं लोगे तब तक आप बड़े ट्रेडर या बड़ा पैसा मार्केट से नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, तो ये एक छोटी सी वीडियो थी जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। हो सकता है कि आई विश कि आपको पसंद आई होगी, आप लोग ने समझा होगा। अगर कुछ भी डाउट है, कुछ भी समझ ना आया हो, क्योंकि इस तरह की वीडियो मैंने पहली बार अभी बनाई है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग को और अच्छी अच्छी वीडियोस दूं मनी मैनेजमेंट के बारे में, साइकोलॉजी किस तरह बिल्ड की जाती है मार्केट में, पोर्टफोलियो को कैसे और अच्छा बनाना है अपने, ये सारी चीजें मैं कोशिश करूंगा कि आपको धीरे धीरे बताऊं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, हमारी मेहनत को थोड़ा अप्रिशिएट करो, वीडियो को लाइक करो, वीडियो को बाकी लोग के साथ शेयर करो, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि हम हमारे द्वारा जो भी वीडियोस दी जाती हैं वो आपके पास उसके नोटिफिकेशन पहुंच जाए, और वीडियो को बाकी लोग के साथ शेयर कर सकते हैं। और गाइस, हमारा अगर आपके किसी तरह कुछ कुछ क्वेरी है, किसी स्टॉक से रिलेटेड कुछ कंफर्म करना है, कुछ भी, तो हम अपनी तरफ से, अपने हैंड से आपको गाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप, एक हमारा ग्रुप है 8285914769, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस नंबर पे मैसेज करके किसी स्टॉक से रिलेटेड, किसी भी कंपनी के फंडामेंटल के बारे में कुछ जानना चाहते हो, किसी कंपनी के टेक्निकल के बारे में कुछ जानना चाहते हो, वो सारी चीजें, साइकोलॉजी किस तरह बिल्ड करनी है, मनी को कैसे मैनेज करना है, बहुत चीजें होती है मार्केट के अंदर। तो अगर ये सब जानना सीखना समझना हो, कुछ ही किसी तरह की कुछ क्वेरी है, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके भी कंफर्म कर सकते हो। ठीक है, ऑल्सो गाइज, हमारे यूट्यूब चैनल के नाम पर ही हमारा टेलीग्राम का चैनल है गौरवानी कैपिटल के नाम पे, तो आप उस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, आपका मन करे तो कर सकते हैं, वरना तो आपकी ट्रेडिंग चली रही है। जब तक आप अपनी खुद की साइकोलॉजी बिल्ड नहीं करेंगे तब तक आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे, ये मैं आपको 110% लिख के देता हूं यहाँ पे। जब तक आप अपने रिस्क को मैनेज करना नहीं जानोगे, साइकोलॉजी मार्केट में बिल्ड नहीं करोगे, तब तक आप कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। ठीक है, ओके, तो आज की वीडियो ये छोटा सा टॉपिक था, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कैसे करना है, रिस्क को मैनेज कैसे करना है, पोर्टफोलियो किस तरह बिल्ड करना है, ये बताने की मैंने कोशिश की है। और अभी भी अगर आपको समझ ना आया हो तो कमेंट करके बताना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और अगर कुछ और जानना है किसी और चीज के बारे में, स्टॉक के बारे में, तो हमने आपको नंबर दे दिया है, आप उस नंबर पे मैसेज करके कंफर्म कर सकते हो। ठीक है, चलो अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखो, अपने पोर्टफोलियो का ध्यान रखो, पोर्टफोलियो को जरा से भी आंच मत आने दो, क्योंकि पोर्टफोलियो नहीं रहेगा तो आप मार्केट में काम ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो छोटा सा रिस्क लेके बड़े टारगेट को हिट करो। ठीक है, ओके, चलो ये साइकोलॉजी की कुछ मैं आप लोग के साथ कुछ शेयर करना चाहता था, आई थिंक आप लोग ने कुछ गेन किया होगा, आप लोग इस पे काम करो। ठीक है, अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं, थैंक यू सो मच।